खबर ग्वालियर से, जहां पिछले महीने 2 अक्टूबर को शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के रेशमपुरा और बदनापुरा में हुई कार्रवाई के बाद पुलिस की निरंतर इस इलाके पर निगाह बनी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर वो इलाके में निरंतर अपना सर्चिंग अभियान भी चला रहे हैं। यहां पर मानव तस्करी की सूचना पर पुलिस ने 2 अक्टूबर को तड़के ही व्यापक सर्चिंग अभियान चलाया था, जिसमें 3 लड़कियां बरामद हुई थी। इनमें आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। गौरतलब है कि जाति विशेष के समुदाय में देह व्यापार को एक प्राचीन परंपरा माना जाता है, जिसके तहत इस समुदाय की कई लड़कियां देश के अन्य बड़े शहरों में देह व्यापार के लिए जाती हैं और छोटे शहरों से माता पिता की गरीबी और दूसरे प्रलोभन देकर लड़कियों को रेशमपुरा में लाकर उनसे अनैतिक कार्य कराए जाते हैं। और रेशमपुरा में ये जो हमने आपराधिक प्रकरण 2 दर्ज किए थे उसमें इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। इसके साथ ही महिला बाल विकास के साथ मिलकर वहाँ सर्वे भी किया गया है और हमारा अभी यही प्रयास है कि आने वाले समय में इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधि जो है वहाँ पे पूरी तरह से रुक जाए। लगातार हमारी टीम और महिला बाल विकास की टीम वहाँ पे विजिट कर रही है और अभी वहाँ पे स्थिति ठीक है, परंतु हम निगाह रखे हुए हैं और यदि हमें ये खबरें फिर आएंगी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो निश्चित तौर पे हम वहाँ पे पुनः अपना कड़ा एक्शन